एक प्रेस वार्ता साढ़े पंजाब के सीनियर लीडर अते आम आदमी पार्टी पंजाब के चीफ स्पोक्सपर्सन सरदार मालविंदर सिंह जी कंग करनगे ते तुहाडे सन्मुख होणगे। इस प्रेस वार्ता साढ़े सीनियर लीडर ते स्पोक्सपर्सन श्री गुरविंदर मित्तल जी भी साढ़े नाल रहणगे। तो मैं बेनती करांगा चीफ स्पोक्सपर्सन ते सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी पंजाब सरदार मालविंदर सिंह कंग जी नूं कि वह मीडिया नाल मुखातब। शुक्रिया रविंदर जी। पंजाब सरकार ने मान साहब की अगवाई और पंजाब के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी वालों कल एक पंजाब के लोगों वास्ते दूरदर्शी बजट जिहड़ा पंजाब की विधानसभा पेश कीता। बजट तो पिछलियां सरकारां भी पेश कर दियां सी, चाहे वह अकाली दल भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस दी सरकारां रही हैं। लेकिन उन्हां बजट च सिर्फ लोगों नूं लॉलीपॉप और किस तरीके नाल कुछ घरानों फायदे देने है, निजी जिहड़े लोगों नूं फायदे देने है, ये ध्यान च रख्या जांदा सी। आम सधारण पंजाब दे वर्ग की जिहड़ी फिक्रमंदी या चिंता या उन्हां दीआं मुश्किलां दूर करन लई कोई प्रोविजन नहीं हुंदा सी। मान साहब की सरकार ने कल जिहड़ा 1,96,000 करोड़ तो वध दा जिहड़ा बजट रख्या है उहदे च ना सिर्फ पंजाब की किसानी जवानी चाहे व्यापार होवे चाहे साढ़े पिछड़े वर्ग होण हरेक वर्ग नूं भविख च आउण वालियां चुनौतियां नूं मद्देनज़र रखदे होए सारे प्रबंध कीते आ, नाल नाल पंजाब की आर्थिकता जिहड़ी आ जिहड़ी 3,00,000 करोड़ तो वध दा कर्जा चढ़ा के गईआं पिछलियां सरकारां उस ते उसनू रोकना कितना आ, उसनू खत्म कितना करना आ और पंजाब की आर्थिकता नू मजबूत किस तरह करना है, ये सारिया चीज़ां बड़ी ही बारीकी नाल बड़े ही डूंघाई नाल सोच विचार के कल रखिया है। सो मैं अज बजट च दो तीन गल्लां दा जिक्र जरूर तुहाडे राही पंजाब दे लोकां नू दसना चाहुंदा है जिहड़ा कि मैनू लगता है बहुत अहम भी है। हालांकि कल हाउस ऑफ द फ्लोर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल च गल कीती आ, लेकिन पार्टी दे नाते साडी जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए, चीमा साहब का धन्यवाद करिए, नाल नाल पंजाब दी खेतीबाड़ी लिए अहम बजट क्यों रहा। कल चीमा साहब ने 13,888 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का बजट रखा है और जेड़ा कि पिछली वार नालों तकरीबन 20% इनक्रीज होया है। लेकिन इस खास गल्लां यह है देखो पंजाब की पूरी आर्थिकता इकोनमी जिहड़ी आ उहदा बैकबोन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर नूं बचाउणा कितना आ ते नाल नाल उहनूं मौजूदा हालातों के हिसाब नाल सुधार की करना, इस 5-6 नुकते जिहड़े कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने किए आ उहदे बारे मैं तुहानूं दस्सणा। एक ते पंजाब नूं सब तो वध जरूरत है डाइवर्सीफिकेशन की, फसली विभिन्नता की, और सारे रौला पाउंदे रहे पिछले 15-20 साल जी, झोने चो कढ लो कणक चो कढणा है जी, बड़ा मुश्किल है, पानी गर्क चलिया, पानी खत्म हो चलिया, लेकिन उपराले नहीं किते। मान साहब की सरकार ने हालांकि पिछले साल च ही शुरुआत करती सी मूंगी की MSP दे के नाल सीधी बिजाई नूं प्रमोशन वास्ते जिहड़ी इंसेंटिव लाया सी, उहदे नाल नाल पिछले कई सालों तो गन्ना जिहड़ा शुगर केन जिहड़ा साडा बुनियादी फसल रही है पंजाब की परंपरारिक फसल रही है ढांचागत फसल रही है उहदे वल किसी ने ध्यान ते की देना सी, साडे किसानां दे कई कई सालों तो शुगर केन की पेमेंट जिहड़ी आ उह पेंडिंग सी, धरने लगते रहे किसानां दे। मान साहब ने ना सिर्फ शुगर केन की पेंडिंग पई पेमेंट उन्हूं अदायगी की किसानों की, नाल नाल देश च सब तो अव्वल MSP गन्ने ते 380 रुपए दिते, पंजाब दे पौण पानी नूं बचाउण लई फसली विभिन्नता वास्ते 3-4 गल्लां चाहे वह कपाह नूं प्रमोशन चाहे दालां नूं प्रमोशन चाहे ऑयल सीड्स नूं जिहड़े साडियां सरों आ पाम ऑयल है
सोयाबीन है उन्हां दी प्रमोशन वास्ते नाल नाल प्रोसैसिंग वास्ते सब तो जरूरी गल है। पंजाब नूं अगर बचाउणा आ ते फूड प्रोसैसिंग की जरूरत है। फसल इत्थे हरेक हो जाती है, फसल की मंडीकरण ते किसानां नूं वाजिब दाम देना ते नाल प्रोसैसिंग करनी ये सब तो वड्डी चुनौती सी जिन्हों पंजाब सरकार ने इस बार हल करन वाले पासे शुरुआत की है। बुढ़लाडा ते गिदड़वाहे च सरों के प्रोसैसिंग प्लांट लाए जाएंगे ताकि झोने का रकबा घटाया जाए और ऑयल बेस्ड जिहड़ियां फसलां आ सरों आ सोयाबीन है उहदा रकबा वधाया जाए। माझे एरिए च बासमती दुनिया की बेहतर बासमती है उहदी प्रमोशन वास्ते खास जिक्र कल जिहड़ा आ चीमा साहब ने अपने बजट च कीता है, सरकार उहदे वल ध्यान दे रही। इहदे नाल नाल गन्ने का एरिया वधे क्योंकि गन्ने का पहला किसान करना चाहता है लेकिन किसान नूं वाजिब रेट नहीं मिलता सी, जे मिलता सी उहदी पेमेंट कई कई महीने साल तक रुकी रहिंदी सी। 380 रुपए जिहड़ा MSP दे के देश पहली सरकार बनी, हाईएस्ट MSP दित्ती और सानूं उम्मीद है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो रूटीन की फसली चक्कर चो निकल के साडी जिहड़ी जरूरत है देश नूं और किसान नूं जिस तो वध आमदन हो सकती है गन्ना होवे दाला होण मूंगी होवे सोयाबीन सरों होवे उहदे वल सरकार ने उपराले कीते आ नाल नाल इस बजट प्रोविजन की। इहदे नाल नाल आपां सारे देखदे हां रौला इह पैंदा रहा चाहे वह कांग्रेस होवे आखे जी पंजाब दे जिहड़े ब्रांड है चाहे मार्कफेड है उहनूं प्रमोट नहीं किसे ने कीता। वेरका आ मिल्क फैड नूं लैके मानसा की सरकार ने 13 नवे गोडाउन मार्कफेड दे पंजाब दे अड्ड हिस्सों च बनाउण दा प्रोविजन इस बजट रख्या ताकि साडा जिहड़ा अपना ब्रांड है मार्कफेड जिहड़ा दुनिया के वड्डे वड्डे ब्रांड्स नूं कंपीट कर सकता है। और तुसीं देखिया होना पिछले दिनां जिन्हें भी डेलीगेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिलन आए आ चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से चो एंबेसडर साहिबान आए आ असीं मार्कफेड दे गिफ्ट उहनां नूं दे के साडा अपना ब्रांड क्यों ना असीं दुनिया च प्रमोट करिए नाल नाल क्योंकि साडी इकोनमी पूरी ढांचा साडा आर्थिकता खेती ते डिपेंड करता है। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰੌ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਣ ਪਨ ਸਭ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੀ ਆ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੱਕ, ਵੇਰਕਾ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਟੇਲ ਏਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਲ ਏਰੀਆ ਹੀ ਮੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੇਲ ਏਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਬਚਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ
इलीगल माइनिंग दियां खड्डां तक के गैंगस्टर बनाया जांदा सी शराब माफिया च इनवॉल्व करके जिहड़े पढ़ लिखण वाले नौजवान खिडारी सी। मान साहब की सरकार ने इतिहासिक फैसला लेंदे होए कल स्पोर्ट्स का 55% बजट वधाया 55% 150 करोड़ तो जिहड़ा सीधा 260 करोड़ तो वाधा जिहड़ा कीता है। इस अपने आप च इस गल का सबूत है कि सरकार की पहलकदमी की आ, सरकार सोचती की आ, मुख्यमंत्री जी की दूरअंदेशी की आ कि साड़ी जवानी की जिहड़ी एनर्जी है पॉजिटिविटी है उन्हूं चैनलाइज करके पंजाब नूं 2000 पहला तो जिहड़ा देश अव्वल नंबर ते खेडां च पंजाब सी ओह बनाउणा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना, पंजाब दे खिडारियां दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिहड़े कि ऑलरेडी असीं शुरू करते, इंटरनेशनल और नैशनल लैवल ते कंपीट करन वाले खिलाड़ियों नूं पूरी डाइट तो लैके ट्रेनिंग देनी वर्ल्ड स्तर की, उहदा एक पूरा प्रबंध जिहड़ा है इस स्पोर्ट्स बजट च मान साहब की सरकार ने और चीमा साहब वालों रखा। इहदे नाल नाल एक मैं होर जिक्र करूँगा, पंजाब दे जिहड़ी आम आदमी पार्टी का बुनियादी जिहड़ा जिहनूं कह लो एजेंडा है साडा कि एजुकेशन सैक्टर नूं और मतलब बच्चों की पढ़ाई तो बजुर्गों की दवाई हरेक इंसान नूं सस्ता तो फ्री इलाज मिले और मैडिकल जिहड़ा एजुकेशन चो पंजाब हब बने, इहदे लई मान साहब की सरकार ने कपूरथला हुशियारपुर च मैडिकल कॉलेज की तजवीज़ की शुरुआत की आ, बरनाले च नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत करन दी गल कीती आ, नाल नाल एमीनेंस स्कूलों वास्ते स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते टीचर प्रिंसीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम वास्ते एक कंक्रीट प्लैन दिता एजुकेशन का कंक्रीट प्लैन। मैं ये कहना भी हवा हवाई गल्लां पहला भी होंदियां सी, अहे जी बजट रखता एजुकेशन तो करना की है, प्लैन की है, इंप्लीमेंटेशन की है, जमीनी स्तर पर उसके प्रभाव की रहेंगे, सारा एक फुल प्रूफ प्लान जिहड़ा कल हरपाल सिंह चीमा जी ने जिहड़ा एजुकेशन बजट जिहड़ा रखा स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन जिच 17,074 करोड़ का प्रोविजन दिता है, तकरीबन मैनू लगता है ये 22% पिछली वार नालों है, हाँ सॉरी 12% पिछली वार नालों वधिया है और ये आने वाले टाइम च असी होर देखो पंजाब दे बच्चों टैलेंट की कमी नहीं है, साडे टीचर च जिहड़ी जिहड़ी उन्हां दी कंपीटेंसी की कमी नहीं है, जरूरत है बच्चों नूं उन्हां दी टैलेंट के आधार पर गाइडेंस करन दी किहड़े फील्ड जाना, इसे करके एमीनेंस स्कूल ऑफ एमीनेंस की एक जिहड़ा प्रोजैक्ट लैके आंदा है, नाल नाल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंसैप्ट है कि दुनिया के स्तर की एजुकेशन नूं असी कंपीट करिए और ये जरूरी है। पंजाब की मॉरल एजुकेशन कितनी गड़बड़ा गई पिछले सालों, साइंस एजुकेशन बच्चे आइलेट्स नूं ही एक वड्डी डिग्री समझण लग गया, सो एक उन्हूं मोड़ा पाउण लई पंजाब की जवानी नूं नवी दिशा देण लई और पंजाब दे जिहड़ा टैलेंट उन्हूं पंजाब च रखण लई बड़े दूरगामी जिन्हों कह लो दूरअंदेशी जिहड़ा मान साहब का बजट है उहदे च प्रोविजन रख्या गया। इहदे नाल नाल हैल्थ का जिस तरह मैं जिक किया साढ़े बच्चे यूक्रेन, मान साहब ने कई बार जिक्र किया है मुख्यमंत्री जी ने यूक्रेन और जिस तरह उत्थे साढ़े बच्चे फसे से क्यों नहीं पंजाब का जिहड़ी धरती उन्हूं मैडिकल एजुकेशन का हब बनाया जाए, उहदे वाले पासे जिस तरीके ना सरकार ने मैं जिस तरह ऑलरेडी तुहानूं दस्सिया है कि मैडिकल कॉलेज तो इलावा नर्सिंग कॉलेज नाल नाल कैंसर वास्ते फाजिलका और अपना गुरदासपुर वास्ते गुरदासपुर च जिहड़े अमृतसर और फाजिलका च कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बठिंडा तो कैंसर ट्रेन पहले ही चल रही, इस चीज़ नूं रोकिया किस तरह जाए और लोगों नूं बेहतर जिहड़ा इलाज दिता जाए उहदे लई। हुण गल्लां ते बड़े कर रहे सी अपोजिशन वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट च 42% इनक्रीज किया है मान साहब की सरकार, उसका मकसद यह है कि जिहड़ा सारा पैसा कमाई कुछ परिवारों को जाती सी हुण पंजाब PRTC दे राही पंजाब दे खजाने च आओ और वह दिखण लग गया, जिहड़ा बंदा 4 to 5,000 रुपए च दिल्ली जांदा सी AC बस च हुण 1200 to 1500 जा रहा, यह फर्क है, यह दूरअंदेशी है, यह विजन है। और ये नाल नाल मैं सुन रहा सी कल अहे जी
ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ UGC ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ 2009 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ITI ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸਾਈਜ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 2-2, 3-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬਜਟ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 200 ਤੋਂ 164 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਹੈ, ਪੰਸਪ ਹੈ, ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।